हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि घातांक और घात के कुछ ऐसे प्रश्न जो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं और ये हर तरह की परीक्षाओं में आते रहते हैं। अभी हाल ही में इसी मंथ में प्रधान शिक्षक की पद के लिए जो बहाली होने जा रही है उसकी तैयारी करने वाले परीक्षार्थियों के लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर प्रश्न है कि एम का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए -3^(-3)^(m) = -3^7। यहाँ पर कहता है कि ये m का मान क्या होगा। चलिए इसको हल करते हैं। तो इसको हल करने के लिए कुछ घातांक के नियम हैं, उस नियम का हम यहाँ पर उपयोग करेंगे। अब एक नियम आप जानते हैं घातांक का क्या होता है कि a^m (a^n) = होता है a^m + n। यहाँ पर हम इसी घातांक के नियम का उपयोग करेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर सवाल को उतार लें हल में। ठीक है, अब यहाँ पर बराबर का चिन्ह पड़ा हुआ है तो हम लोग या का चिन्ह देंगे या और का चिन्ह देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये जो है इस घातांक के नियम पर ये आपका बैठा हुआ है और हम लोग इसका यूज करेंगे। अब यहाँ a^m (a^n) = होता है a^m + n। यहाँ पर वही क्रिया करें, यहाँ पर आधार जो है बेस है -3 है, यहाँ दोनों में a था तो यहाँ पर भी हम लिख सकते हैं -3^(m+1)। ये तो रहेगा ही, और ये जो है प्लस यहाँ पर है तो +5। अब = -3^7। अब या अब देखिए यहाँ पर m+1 है +5 है तो ये दोनों जोड़ देंगे हम लोग तो -3^m+6 = -3^7। अब देखिए यहाँ पर एक पुनः एक नियम है कि दोनों ओर यानी कि इस बराबर के लेफ्ट और राइट दोनों ओर घातों के आधार, इस घात का आधार देखा जाए तो -3 है, इधर भी देखा जाए इस घात का आधार -3 है, यानी दोनों समान है। तो वैसे स्थिति में उनके घातांक जो है एक्सपोनेंट जो है समान होने चाहिए, यानी कि ये वाला जो है समान होगा। यानी कहने का मतलब आप m+6 = 7 लिखेंगे। फिर एक बार मैं बता देता हूँ कि चूंकि एक नियम है कि इस बराबर के दोनों ओर घातों के आधार, इस घात का यानी इस पावर का जो आधार है वो अगर समान हो तो कहता है क्या कि उनके घातांक समान होने चाहिए, यानी कि ये वाला और ये बराबर होने चाहिए। तो यहाँ पर हमने बराबर कर दिया। अब आप जानते हैं या m = 7 - 6 ये जाएगा उधर की ओर तो -6 हो जाएगा और इसीलिए m = 1, यही आपका आंसर हो गया। तो इस तरह के सवाल जो है हमेशा आते रहते हैं। एक सिंपल सवाल है, केवल और केवल जो है ना घातांक के जो नियम है उसको दिमाग में रखनी होती है और ये उसके आधार पर बनता है। ठीक है, यहाँ पर कोई भी है आपका सवाल इस टाइप का मिलेगा तो वो घातांक का नियम का उपयोग होगा ही होगा, तभी आप उसको बना पाएंगे, नहीं तो नहीं बना पाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, यदि वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा।
और मेरा चैनल का नाम है नारायण क्लासेस और मैं लाल रण प्रसाद। अगर ये वीडियो रियली में अच्छा है और ये कुछ इससे हम सीख पाए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में पुनः मिलते हैं। धन्यवाद।